हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव, पैतृक घर, पैतृक निवास स्थल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ जा रहे हैं हमारे मित्र दिनेश यादव जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे एक और मित्र हैं मिस्टर राजकुमार यादव जी, जो हमारे सहपाठी भी हैं और हमारे क्लास के मॉनिटर भी हैं। इनकी भी जाने की इच्छा थी लेकिन किसी कारणवश ये अभी नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे साथ एक और साथी जा रहे हैं, वो हैं ये बाइक। इसी बाइक से हम लोग जाएंगे और यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गाँव में है, तो वो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो में बने रहिए और देखिए कि वहाँ पे कैसे क्या है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग जीरादेई पहुंच चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव। और अभी मैं उनके पैतृक निवास के ठीक बाहर में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अभी हम हैं जीरादेई में और मेरे ठीक पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मकान है। उनके पिताजी का पैतृक निवास है और यहीं पे वो पैदा हुए थे। तो ठीक पीछे जो आप एरिया पोर्शन देख रहे हैं, मकान का पोर्शन, ये बैठक खाना है उनके परिवार का। कोई भी गेस्ट जो बाहर से आते थे यहीं पर रुकते थे, ठहरते थे। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी भी एक बार यहाँ पर आए थे और 2 दिनों के लिए ठहरे थे। और मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं मकान का पोर्शन, इसके ठीक पीछे आंगन है। उसी आंगन में वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है और उनका बचपन बीतता है। अब मैं आपको बताते चलूं कि जब वो पैदा हुए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। वो 2 भाई 3 बहन, उनकी तीनों बहनें और उनके भाई उनसे बड़े। उनके बड़े भाई का नाम महेंद्र प्रसाद जी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से होती है। उसके बाद यहाँ पे पास में एक शहर है छपरा, छपरा में उसके आगे की पढ़ाई होती है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि जब वो मात्र 12 साल के थे तभी उनकी शादी कर दी गई थी। लेकिन उनका शादी होना उनके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डाला। आगे वो पटना चले जाते हैं, पटना के टीके घोष एकेडमी से उनकी हायर पढ़ाई होती है, 10th की पढ़ाई होती है। और उसके बाद वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरते हैं। और आपको मैं बताते चलूँ कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में उस टाइम में बिहार, उड़ीसा ये सारा इंक्लूडेड था। और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनका रैंक पहला होता है, वो पहले रैंक पे वो इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। और वो इतने मेधावी थे, मैं आपको बताते चलूँ कि एक बार एक एग्ज़ामिनर ने उनके नोटबुक पे लिख दिया था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर, सो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर माई डियर। आप उसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वो 1916 में पटना हाईकोर्ट में बिहार में वकालत शुरू कर दी। और धीरे धीरे बहुत जल्द ही वो एक बहुत ही फेमस वेल नोन वकील बन गए। लेकिन बीच बीच में उनकी रुचि थोड़ी बहुत राजनीति से भी थी। तो इस दौरान वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में आते हैं। और महात्मा गांधी जी का जो 1923 में नमक सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें वो महात्मा गांधी जी के कहने पर वो अपनी वकालत की पेशा को छोड़ के उतर जाते हैं, कूद जाते हैं उस स्वतंत्रता संग्राम में। और इतना ही नहीं, उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ता है, एक बार इस नमक सत्याग्रह के दौरान, एक बार 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इस तरह से देश हमारा आज़ाद होता है और हमारे आज़ाद देश में जो पहला मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 1950 में चुनाव होती है राष्ट्रपति का, जिसमें वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं। और 1950 से लेकर 1962 तक वो भारत के सर्वोच्च पद पे आसीन होते हैं और राष्ट्रपति के रूप में इस देश की सेवा करते हैं। 1962 में उनका रिटायरमेंट होता है और वो पटना आ जाते हैं, बिहार के पटना आ जाते हैं। और 1963 ईस्वी में
फरवरी के महीने में उनका देहांत हो जाता है 78 वर्ष की अवस्था में। और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पे वो उनका देहावसान हुआ, अंतिम समय में वो पटना में रहा करते थे। और उनके यूज किए गए जूते, कोट, ब्रश, ये सारी चीज़ें अभी उपलब्ध हैं वहाँ पर। मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा किसी एक और वीडियो में। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है रूम श्री महेंद्र प्रसाद, तो ये कमरा इनके बड़े भाई जी का था जो अभी बंद है। ये देखिए ये लोगों के लिए बनाया गया है दर्शक दीर्घ, अभी लाइट नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तस्वीर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and he was a great scholar। गांधी जी की तस्वीर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। यही वो आंगन है जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन में खेला करते थे। बहुत ही ऐतिहासिक जगह, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, जहां आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आप भी देख सकते हैं। ये तुलसी का पौधा का एक जगह है। ये देखिए ऊपर भी इसमें कमरे थे, इन सबको रंग रोगन का काम चल रहा है, बनाए रखने का काम चल रहा है। समय के साथ ये इसकी स्थिति खराब होती गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको इसकी मरम्मत की जा रही है ताकि इसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।